Good morning, friends. Today we will discuss about the light production in insect. आप जानते हैं कि बहुत सारे कीट लाइट इमिट करते हैं और जो उनका लाइट प्रोडक्शन है, आपने जुगनू का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे दूसरे भी कीट हैं, इंसेक्ट हैं, जो लाइट इमिट करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एम्पायरिडी जिन्हें हम फायरफ्लाइज कहते हैं, इलेट्रिडी जो क्लिक बीटल्स हैं, फेंगोडिडी जो रेल रोड वॉर्म्स हैं, कोलियोप्टेरा की एनोरिडा गैंग, ग्रेनेरिया, कोलम्बोला के अंदर फुलगोरा लेंटेरनेरिया, होमोप्टेरा के कुछ मेंबर्स, डिप्टेरा में प्लेटीयुरिडी और बोलिटोफिलिडी कुछ कोलियोप्टेरा के मेंबर्स। ये ऐसे मेंबर्स हैं जो बहुत सारे जो लाइट इमिट करते हैं। कोलम्बोलेंस में ऑनिक्यूरस इमिट्स ए जनरल ग्लो फ्रॉम द होल बॉडी, पूरा सरफेस, पूरे सतह से जो है ग्लो इमिट होता है। हेमिप्टेरा की जहां बात कर रहे हैं उसमें फुलगोरा, द लाइट ऑर्गन इज इन द हेड, द लाइट ऑर्गन्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम द फैट बॉडीज, ये हेमिप्टेरा में। डिप्टेरा के अंदर इन ग्लो वॉर्म फ्लाई Arcno campa, they are formed from the enlarged distal ends of the malpighian tubules. ये डिप्टेरा के अंदर लाइट इमिटिंग सोर्स है। कोलियोप्टेरा में इन मेल फोर्टुरिस देयर इज ए पेयर ऑफ लाइट ऑर्गन इन द वेंट्रल रीजन ऑफ ईच ऑफ द सिक्स एंड सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट्स। इन द फीमेल The organs are smaller and often only occurs in one segment. The larvae have a pair of small light organs in segment 8th, but these are lost at metamorphosis when the adult structures form. Fengodidae larvae and females of railroad worms have 11 pair of dorsal lateral light organs on the thorax and abdomen and another on the head. तो ये बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनमें लाइट इमिट होती है। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये इस तरह का ग्लो लैम्पायरिडी फायरफ्लाईज के अंदर कोलियोप्टेरा में, कोलियोप्टेरा में इलेट्रिडी जिसे हम क्लिक बीटल कहते हैं, यहां से लाइट इमिट होती है। यहां आप रेल रोड वॉर्म्स की बात करते हैं तो ये देखिए लाइट इमिट हो रही है साइड से, तो 11 पेयर्स की जहां बात कर रहे थे उसमें। ये होमोप्टेरा है जिसे फुलगोरा कहते हैं, इसका हेड से यहां से ये जनरल ग्लो, आप ये देखिए कोलम्बोला के अंदर ये जनरल ग्लो है जो कि लाइट इमिट कर रहा है। प्लेटीयुरिडी डिप्टेरा के अंदर और बोलिटोफिलिडी इनके अंदर, ये आप देखिए कि ये लाइट इमिटिंग लाइन है, यहां पर भी आप देखेंगे कि ये लाइट इमिट करने वाली ऑर्गन्स उपस्थित है। तो ये इंसेक्ट हैविंग द इंट्रिंजिक ल्यूमिनेसेंस, आंतरिक रूप से जहां पर ल्यूमिनेसेंस या लाइट इमिट होती है वो इन इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। लाइट इज प्रोड्यूस्ड ऑर्गनेल्स कॉल्ड द पेरोक्सिसोम्स, ऑर्गनेल्स कॉल्ड पेरोक्सिसोम्स नोटेड एज सेंटर्स फॉर एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ए टू स्टेज रिएक्शन अकर्स विद इन दीज पेरोक्सिसोम्स, फर्स्ट एडिनाइलेशन ऑफ सबस्ट्रेट ल्यूसिफेरिन विच इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम 80।
occurs under the catalytic action of luciferase, the subsequent oxygenation of luciferyl adenylate by molecular oxygen results in the emission of light and the production of oxyluciferin. This is the enzymatic reaction जिसकी वजह से ये ऑक्सीलुसिफेरिन बना और लाइट इमिट हुई. कोलियोप्टेरा में इन फोर्टिनियस एंड लैम्पायरिस द लाइट प्रोड्यूस्ड इज येलो ग्रीन इन कलर 520 टू 650 नैनोमीटर लेंथ की. फ्रिक्सोथ्रिक्स लार्वल एंड एडल्ट फीमेल्स thorax and abdomen produced green and orange light of 530 to 590 nanometer length. Death on the head produced red light 580 nanometer to over 700 nanometers. Diptera ke andar blue green light, Hemiptera mein fulgura produced white light. This is the light producing organs which is present in the cuticle from which light is emitted. यहां से ये ट्रेकिया है और यहां से हम देखते हैं कि ये ट्रेकिया वाला पोर्शन है और यहां पर भी ये ट्रेकिया वाला पोर्शन है. ट्रेकिया से ये साइड में निकलने वाले ट्रेकियोल्स, ट्रेक्योलर सेल्स के साथ में ये ट्रेकियोल्स निकलते हैं. हर जगह पे आपने ट्रेकिया से ट्रेकियोल्स निकलते हुए देखते हैं. यहां पर जो उपस्थित हैं डोर्सल सेल्स, ग्रेन्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स, हियर इज प्रेजेंट फोटोसाइटिक ग्रेन्यूल्स. ये फोटोसाइटिक ग्रेन्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है. ऑल सेल, ये जो डार्क में जो है ये फोटोसाइटिक ग्रेन्यूल्स. नीचे आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल है, उसके नीचे एपिडर्मिस होगी और ये ट्रेकियोल्स और ट्रेकिया. ये साथ में निकलने वाली ये नाउस, ये नाउस जो है ट्रेक्यूलर सेल्स तक पहुंच गई है. ये ब्लैक लाइन जो है ये नाउस, ये यहाँ पे नाउस. ल्यूमेन यहाँ पे उपस्थित है ऑफ सिलेंडर, जहां से ट्रेकिया जा रहा है उसके साथ में ये ल्यूमेन है. एंड सेल्स जो है वो यहाँ उपस्थित होंगी जो ट्रेक्यूलर सेल के बाहर की तरफ और ट्रेक्यूलर सेल्स ये यहाँ पे बेस पार्ट पे ट्रेक्योल्स के फ्रॉम विच ट्रेक्योल्स आर ओरिजिनेटेड और ये ट्रेक्योल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, द डोर्सल लेयर सेल्स, ग्रेन्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स, फोटोसाइटिक ग्रेन्यूल्स, फोटोसाइट्स और माइटोकॉन्ड्रिया. All these structures are present in the epidermis, the part from which light is originated. Here is dorsal unpaired median DUM release octopamine. DUM cells, dorsal unpaired median cells, present in the last two abdominal ganglion respectively, which release octopamine. The axons from these cells divide to send symmetrical branches to the lantern on each side. In most adult fireflies, the axon terminates on the tracheal end cells. In larvae, where there are no end cells, they innervate the photocytes directly. In adult photuris, light production appears to be regulated by the availability of oxygen. As the dorsal unpaired median neurons terminate on the tracheal end cells, neural activity causes a change in these cells, facilitating the flow of oxygen to the photocytes. This implies that
The oxygen supply to the photocytes is closely regulated. It is believed that hydrogen peroxide plays a role in this regulation. The peroxisome oxidase uses oxygen arriving at the open mitochondria to create hydrogen peroxide that builds up explosively due to the shutdown of the catalyst. This completes the oxidation reaction and triggers the flash. तो इससे light emit होती है. ये oxidation का process अगर पूरा होता है, उससे light produce होती है. The precise temporal control of fireflies flashing is understood to be regulated by nitric oxide. Nitric oxide synthesis is localized near synaptic terminals within the firefly's lanterns. Measurements indicate that externally added nitric oxide stimulates bioluminescence production, while the addition of nitric oxide scavengers inhibits light production. Furthermore, NO is known to control respiration by photocyte mitochondria reversibility. The proposed mechanism comprises neural stimulation resulting in the transient release of NO that diffuse into the periphery of adjacent photocytes. This inhibits mitochondrial respiration and permits oxygen to diffuse into the photocytes, which hold the bioluminescence reactants. A firefly's photic organ is functional throughout pupation and glows when the pupa is distributed. इस तरह से हम यहाँ पे लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स की बात करते हैं और इस तरह है